तर भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आधार पर। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से सर्वे शुरू किया था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने भाग लिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि हाँ, इतने लड़कों ने अपना बताया कि उनका मार्क्स स्कोर इतना से इतने का बीच में था। उसके बाद मैंने एक पोस्ट भी किया था जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अपना कमेंट में अपना मार्क्स लिखिए। उस तरह से उस सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि आपका सलेक्शन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, जो टोटल फॉर्म है 70 लाख है और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी यहाँ पर आपका 25,271, आपकी टोटल पोस्ट 25,271 है। अब यहाँ पर बात करें उपस्थिति के बारे में, तो लगभग 64% परीक्षा में टोटल छात्रों की उपस्थिति रही। बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स के बारे में। ये मार्क्स है 40 से 50 मार्क्स। देखिए, 40 से 50 मार्क्स के बीच में करीब 53% लड़कों ने यहाँ पे वोटिंग किया है। अब बात करते हैं 50 से 60 मार्क्स। 50 से 60 मार्क्स के लिए 24% लड़कों का मार्क्स जो है 50 से 60 रहा। अब 60 से 70 के बीच में जो मार्क्स है 15% लड़कों का रहा है। अब बात करें 70 से 80% लगभग 5% लड़कों ने अपना वोटिंग करके बताया कि इनके मार्क्स इतने थे। अब 80 से 90% में लगभग 3% लड़कों का मार्क्स रहा है। आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पर जो डाटा दिखाया है वो किस बेस पर दिखाया है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे 60 मार्क्स तक, मतलब 60 मार्क्स तक जो डाटा रहेगा, 70% लोगों का जो एवरेज मार्क्स आपका आएगा वो 60 रहेगा। ठीक है, ये रॉ मार्क्स है। आपके जो भी भाई बंधु है उनमें से मैक्सिमम लोगों का जो अटेम्प्ट था वो रॉ मार्क्स में 60 रहा। 60, ठीक है, 60 रॉ मार्क्स है। तो उसी के बेस पर मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूँगा कि मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला। देखिए, जो भी स्टेट है जिनमें कट ऑफ जो काफ़ी हाई रहता है, जैसे कि आपने देखा है कि उत्तराखंड, मैं आपके साथ थोड़ा बता भी देता हूँ, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, यूपी, ये जितने भी हाई कट ऑफ वाले राज्य हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबका एक कंप्लीट मैं आपको एक एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की। मेल में यूआर कैंडिडेट का जो आपका मार्क्स है 64, यदि आपके मार्क्स 64 प्लस हैं तो आपका चांस 100% है। वही फीमेल की बात करते हैं तो 58, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 58 मार्क्स आपके यूआर में होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो मेल में ईडब्ल्यूएस का जो आपका मार्क्स होना चाहिए प्लस 55। वही फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो मार्क्स हो जाएगा प्लस 48। देखिए, ये रॉ मार्क्स है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इतना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके फिजिकल की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो और जी जान लगाकर कीजिए, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ओबीसी की। ओबीसी का जो कट ऑफ है इन सारे राज्यों में ईडब्ल्यूएस से अधिक ही जाता है और इस बार भी अधिक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि इतने सारे लोगों का जो मार्क्स है यहाँ पर अकॉर्डिंग थी, सब लोगों ने अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया था, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। अब ओबीसी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट का मार्क्स होना चाहिए वो 54 होना चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट के लिए प्लस 54 आपके रॉ मार्क्स प्लस 54 आ रहे हैं। मान लेते हैं एक नंबर कम भी आ रहे हैं, 53 भी आ रहे हैं, तो भी आप जी जान लगाकर तैयारी कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए एसटी कैटेगरी में आपके रॉ मार्क्स 48 प्लस। अब एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपके रॉ मार्क्स जो है 48, रॉ मार्क्स आपके 48 या एक नंबर कम इसके आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इनका मार्क्स जो होना चाहिए 40। अब एक सर्विसमैन के लिए जो बात करते हैं तो एक सर्विसमैन का जो आपका जो मार्क्स है 48 प्लस है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डेटा किया ये आप लोगों के द्वारा दिए गए सर्वे के अकॉर्डिंग, यदि आपके मन में कोई और बात है तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।